नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इस समय कोरोना वायरस और लॉकडाउन से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि मोदी सरकार की तरफ से है बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है। क्या 3 मई के बाद है जी पूरे देश में है जी लॉकडाउन खत्म होगा या नहीं होगा, या फिर किन किन राज्यों में है जी लॉकडाउन खत्म होने वाला और किन किन राज्यों में है जी लॉकडाउन जारी रहेगा, इसके बारे में भी आपको बताने वाले। और साथ ही आपको बता दें कि कौन से राज्य की सरकार है जी दूसरे राज्य में फंसे हुए लोगों को उनके घर तक पहुँचा रही है, इसके बारे में भी आपको बताने वाले। साथ ही आपको बता दें कि इस समय है जी कि बसों और ट्रेनों और वो बैंकों से जुड़ी भी बहुत ही बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस समय है जी कि मोदी सरकार की तरफ से क्या क्या बड़े ऐलान हुए, इसके बारे में आपको बताने वाले। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 1823 नए मामले और 66 लोगों की जान जा चुकी। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1823 नए मामले सामने आए और 66 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर है जो कि 33,610 हो गई, जिसमें से है जो कि 8,383 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। और आपको बता दें कि देश भर में है जो कि 24,162 कोरोना के पॉजिटिव केस है। अभी तक देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या है जो कि 1,075 हो गई है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के बीच देश में निवेश बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने तैयारी की रणनीति। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय निवेश बढ़ाने के साथ साथ अधिक विदेशी निवेश पर आकर्षित करने के लिए विभिन्न उपायों पर है विस्तार से चर्चा की। आपको बता दें कि एक अधिकारी के बयान में बताया गया कि बैठक में देश के तेज रफ्तार को निवेश लाने और भारतीय घरेलू क्षेत्र और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल समेत अन्य लोग भी शामिल हुए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन की मांग। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने देश में अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूर और पर्यटकों और छात्रों को आदि आवाजाही की अनुमति दे दी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ फंसे लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजने की तैयारियाँ करें। आपको बता दें कि राज्य में मजदूरों और वापस भेजने की तैयारियाँ शुरू भी कर दी गई। आपको बता दें केंद्र जहां सड़क मार्ग यानी बसों के जरिए है जिसके मजदूरों को भेजने का आदेश दिया, वहीं कुछ राज्य की मांग है कि मजदूरों की वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाए। और आपको बता दें कि बिहार, पंजाब, तेलंगाना और केरल के केंद्र सरकार से लोगों की लाने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग है। और राज्यों ने कहा है कि लोगों की संख्या काफी है, ऐसे में जिसके बसों से इन लोगों को घरों तक पहुँचाने की काफी समय लग जाएगा, वहीं संक्रमण का भी खतरा रहेगा क्योंकि इन राज्यों में हज के होकर आना पड़ेगा, इसीलिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे से पीएम मोदी की बात के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल ने चुनाव आयोग को लिखा खत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्धव ठाकरे की फोन पर बात हुई। एक दिन महाराष्ट्र के बाद के राज्यपाल ने भगत सिंह कोश्यारी ने चुनाव आयोग को अनुरोध किया है कि वह जल्द से जल्द राज्य विधान परिधि की है जो अतिरिक्त 9 सीटों पर है जो कि चुनाव करवाए। राज्यपाल ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है कि वह राज्यपाल मौजूदा अतिरिक्तता को समाप्त करें, दृष्टि से है जो विधान परिधि 9 सीटों को भरने के लिए जो चुनाव करवाए जो कि है जो 24 अप्रैल से खाली है। बताया है कि वो उद्धव ठाकरे के लिए राहत बड़ी खबर है क्योंकि 27 मार्च तक उनका मन मोह जरूर है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि 1 मई से बदल जाएंगे ATM, बैंक, पेंसिल, SBI से जुड़े नियम। आपको बता दें कि 1 मई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ATM, बैंकिंग, SBI, PNB, इनकम टैक्स सहित अन्य ऐसी सेवाओं के नियम को बदलाव होगा जो कि सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़े हैं। आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते वैसे तो ट्रेन और हवाई से सभी बाधित हैं, लेकिन इससे जुड़े नियमों को हज के भी परिवर्तन हो रहा है। और आपको बता दें कि इसके अलावा बैंकिंग सुविधा चालू है और 1 मई से होने वाले बदलावों के बाद हज के ग्राहकों को प्रभावित होंगे, जाने इसका असर क्या पड़ेगा। तो चलिए आपको बता दें कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 मई से 1 लाख से अधिक बचत जमा खातों पर ब्याज दर घटाने
जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसका फायदा नए कर्जदारों को होगा और उन्हें अब पहले से कहीं सस्ता लोन उपलब्ध हो जाएगा। और आपको बता दें कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल के महीने में जी रेपो रेट घटाया था, जिसके चलते जी सेविंग डिपॉजिट पर अब कम ब्याज दरें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर की बात। दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों से जी CM योगी की अपील, धैर्य बनाए रखे हम सबको वापस लाएंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और मजदूरों को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भावुक अपील करते हुए कहा कि वह सब्र रखें, सरकार उन्हें उनके घर तक पहुंचाने का विस्तृत कार्य योजना तैयार कर रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक प्रवक्ता ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर गठित टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान सभी राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों और श्रमिकों के भावुक अपील किए। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में CM योगी ने कहा है कि इन कामगारों ने अभी तक जिस धैर्य का परिचय दिया है उसे बनाए रखें। आपको बता दें संबंधित राज्यों की सरकारों से संपर्क कर सभी को घर तक सुरक्षित पहुंचाने का कार्य योजना बनाई जा रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी कोटे की दुकानों पर 1 से 12 मई तक मिलेगा राशन। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच कार्ड धारकों को जी 1 मई से 12 मई तक के कोटे की दुकानों पर राशन मिलेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा 15 से 26 मई तक प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना के तहत निःशुल्क चावल भी दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी से बोले राजन, गरीबों की मदद के लिए खर्च करने होंगे 65,000 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के कारण लगभग 1 महीने से देश में लॉकडाउन लागू है, देश में सब कुछ बंद है, फैक्ट्रियों पर ताले लगे हैं, लोग घरों के अंदर बंद है, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि GDP की रफ्तार भी थम गई। आपको बता दें अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी इन चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत की। चर्चा में हुई RBI के पूर्व गवर्नर ने कहा है कि इस समय गरीबों की मदद के लिए जरूरी है कि जिसके लिए जी सरकार ने लगभग है जी 65,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का कहर, CM योगी आदित्यनाथ का आदेश, उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर को पूरी तरह से सील करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए कहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सारे बॉर्डर को पूरी तरह से सील करने के आदेश दिए। आपको बता दें कि CM योगी ने कहा है कि प्रदेश के सारे बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया जाए, सीमावर्ती क्षेत्रों में आज की सक्रियता बढ़ती जाए, नेपाल राष्ट्रीय सैन्य अन्य राज्यों से के बगैर अनुमति कोई प्रवेश आने ना पाए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसी रहेगी व्यवस्था। आपको बता दें कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी लंबे समय तक शारीरिक दूरी का पालन करना होगा, इसके लिए रेलवे ने खाका भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि यात्रियों के लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे, इसके तहत रेलवे स्टेशन पर अब सिर्फ यात्रियों को ही प्रवेश मिलेगा और स्वजनों को अंदर जाने की मनाही होगी। वहीं स्टेशन के गेट और TC साइट में है भी एक एक गेट में एंट्री का सिस्टम रहेगा, जिसके दीवे और बुजुर्गों की मदद के लिए पोर्टर और वैलिडेटर के लगाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। तो आपको बता दें कि 3 मई के बाद कैसे खोले लॉकडाउन, CM योगी ने यूपी के राज्य मंत्री से ली राय। आपको बता दें कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य मंत्री से कहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन चरणबद्ध तरीके से खोला जाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन चरणबद्ध रूप से और शर्तों के साथ खोलने के हॉट स्पॉट और रेड जोन और ऑरेंज ग्रीन जोन के जिलों का ध्यान रखना जरूर चाहिए। आपको बता दें कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खोलने जाने के बारे में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य प्रभाव पर राज्यों के मंत्रियों का राज्य मंत्रियों की राय ली। तो चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर शशि कपूर का 67 वर्ष की उम्र में है जो निधन हो गए। आपको बता दें कि इसकी जानकारी अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। आपको बता दें कि शशि कपूर के निधन की खबर आने के बाद आज के बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि सिनेमा जगत की नई पब्लिक हर क्षेत्र में है जो लोगों को उनके निधन पर काफी दुख। तो दोस्तों रोजाना देश की सभी बड़ी खबरें फटाफट जानने के लिए हमारे चैनल को अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर
कर लें और आप हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।